दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवजी एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों हमारे हिंदू समाज में तरह तरह के धार्मिक त्यौहार और तिथियां मनाई जाती है, पर हिंदू धर्म के पंचांग के अनुसार एक ऐसा महीना आता है यानी कि पितृपक्ष का महीना आता है जहां हम अपने पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे पितृपक्ष का महीना कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होते हैं। पितृपक्ष अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक कुल 16 दिन चलते हैं। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक मनाए जाएंगे। हिंदू समाज में पितरों को देवतुल्य माना गया है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही लाभदायी होता है। गरुण पुराण के अनुसार पितृपक्ष में अगर पितरों का तर्पण नहीं किया जाता तो पितृदोष लगता है। यदि पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध तिथि याद ना हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध योग भी माना जाता है। यदि आप भी अपने पितृ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान कुछ उपाय अवश्य करें। आज की इस वीडियो में हम आपको पितृदोष से मुक्ति के उपाय बताएंगे और ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं और हम उन पर पितृदोष यानी कि हम पर पितृदोष लगा है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि पितृदोष मुक्ति के उपाय के बारे में और उसके बाद जानेंगे उन संकेतों के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के इस महीने को स्वयं ईश्वर यानी कि द्वारा मनुष्य के उद्धार के लिए पंचांग में शामिल किया गया है। एक कथा अनुसार जब सारे पितृगणों ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना किया कि हम कुछ समय के लिए धरती पर अपने प्रियजनों से मिलना चाहते हैं, उनके द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद लेना चाहते हैं, तब श्री हरि विष्णु जी ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए पितृपक्ष माह का आरंभ किया और उन्हें वरदान दिया कि वो इस माह में कौवे गाय कुत्ते मनुष्य का वेश धारण कर अपने प्रियजनों के दर्शन करते हैं और उनके भोजन का स्वाद ले सकते हैं। इसी कारण से पितृपक्ष के महीने का महत्व अधिक माना जाता है। सबसे पहले इस माह का आरंभ से यदि आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले पितृपक्ष माह आरंभ हो तब से हर रात अपने घर के द्वार पर जल का छिड़काव अवश्य करें और एक दीपक जलाएं। शाम के समय रात के समय जो भी पितर आपके द्वार पर आते होंगे उस जल से उन्हें अवश्य तृप्ति होगी और वो आपके द्वार से रुष्ट होकर नहीं जाएंगे। दूसरा उपाय, हम पितरों के श्राद्ध पर उनके भोजन तो बनाते ही हैं, यह सब हम जानते हैं, किंतु पितृपक्ष के पूरे माह में जो भी भोजन घर पर बनाए उसमें कौवे गाय कुत्ते के लिए कुछ हिस्सा अवश्य निकालना चाहिए। इससे हमारे पितर जिस भी रूप में धरती पर होंगे उन्हें अवश्य तृप्ति प्राप्त होगी और वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। तीसरा उपाय, पितरों के लिए घी का दीपक प्रज्वलित करना ये अचूक उपाय है। इससे आपके ऊपर सदैव आपके पितरों की कृपा बनी रहेगी। पितृपक्ष की माह की शुरू होते ही आप घर पर पितरों का नाम लेकर उन्हें याद करते हुए और उनका आवाहन करते हुए ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए और ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पितरों के आशीर्वाद यानी कि लें और उनके तस्वीर के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें, जैसे कि भगवान विष्णु जी की तस्वीर हो, भगवान श्री कृष्ण जी की तस्वीर हो, फिर इससे पितृदोष से तो मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं और कृपा भी बरसती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अपने पितरों के श्राद्ध तिथि पर आपको ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए और उस भोजन में जो थोड़ा सा बच जाए उसे लेकर आपको कुत्ते को खिलाना चाहिए या फिर कौवे को खिलाना चाहिए और जब आप भोजन कौवे को खिलाए जाएँ तब अपने मन में पितरों को अवश्य याद करें। इससे आपके पितर जहाँ भी जिस भी स्वरूप में होंगे उन तक आपका भोजन अवश्य पहुँच जाएगा और उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। छठी बात, पितरों की पसंद की चीज़ें किसी ज़रूरतमंद का दान करना। यदि आपने पितरों की पसंद की चीज़ें जैसे कि उनके पसंद का खाना, कपड़े, मिठाई जैसे आदि चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को दान करते हैं या फिर ब्राह्मण को दान करते हैं तो उनका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आप उनकी कृपा दृष्टि सबसे ज़्यादा आप पर बनी रहती है। सातवीं बात, यदि आप पर पितृदोष है और आपके पितर आपसे किसी कारणवश रुष्ट हो गए हैं जिसका प्रभाव आपके यानी कि जीवन पर नज़र आ रहा है, आप पितृपक्ष महीने में अपने पितरों को तुरंत और प्रसन्न करने के लिए भगवत कथा, गीता का कृष्ण भजन या फिर जागरण जैसे शुभ कार्यों का आयोजन स्वयं करें और
पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। आठवीं बात, यदि आपके पितरों की मृत्यु अकस्मात स्थिति में हुई है या फिर समय से पहले उनकी मृत्यु हुई है तो उनकी यानी कि आत्मा की शांति के लिए आप गंगा नदी के किनारे उनका तर्पण श्राद्ध जरूर करें। पितृपक्ष मास में गया जाकर उनका श्राद्ध तर्पण करने से आपके पितर जिस स्थान पर भी होंगे उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि किन संकेतों से पता चलता है कि हमें पितृदोष लगा हुआ है। पहला संकेत, अगर आप बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस रहे हैं तो आपके कुंडली में पितृदोष का योग लगा है, इसका कारण यानी कि बन सकता है। दूसरी बात, परिवार के लोगों के बीच में आपसी कलह और पैसों की तंगी भी इस ओर इशारा करती है। तीसरी बात, बेवजह के कोर्ट कचहरी के केस होना पितृदोष की वजह से हो सकता है। चौथी बात, अगर आपके बेटे के विवाह में देरी हो रही है और इसके पीछे का कारण आपको समझ में नहीं आ रहा तो कुंडली में पितृदोष की जाँच करवानी चाहिए। पाँचवीं बात, सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो आपको भी पितृदोष हो सकता है। इससे बचने के लिए आप ऊपर बताए गए पितृदोष से मुक्ति के उपाय अवश्य करें। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जय पितृदेव अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।